हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क नहाने के लिए, तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जा रहे थे तेवतिया वाटर पार्क, जो साकेतपुर गांव में है, महुअर के पास, पाली गांव के पास। तो उसके लिए हम निकल चुके हैं आगरा फतेहपुर सीकरी वाले रोड पर। फतेहपुर सीकरी भरतपुर ये वाला सीधा रोड है, रुकना नहीं है 1% भी। दोस्तों ये वाला कट है यहाँ से, ये बोर्ड लग रहा है यहाँ पे। तेवतिया वाटर पार्क हम पहली बार जा रहे थे क्योंकि हमने रास्ता नहीं देखा था, तो हम लोगों से पूछते पूछते पहुँचे थे क्योंकि गाँव के अंदर है ये वाटर पार्क। अंकल से पूछो रोकना। अरे वाटर पार्क किधर है? आगे है, थैंक यू अंकल। अंकल ने बता दिया आगे है, अच्छा सा कह रहे थे गलत है। ओ ओ कैप्चर है वो? बच गए भाई साहब, कीचड़ में घुसेड़ दी, नाले थे यहीं पे, नाले थे। दगरे दगरे जा रहे हैं हम, दगरे 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 भैया रे, दगरे दगरे जा रहे हैं हम, तो तुम चलेंगे दगरे दगरे। तो हम पहुंच चुके थे तेवतिया वाटर पार्क, जो दूर से दिखाई दे गया है हमें साकेतपुर गांव के अंदर। तो ये तेवतिया वाटर पार्क की पार्किंग थी, 10 रुपए की थी। यहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है, फिर अंदर के लिए निकल गए हम तेवतिया वाटर पार्क की तरफ। जे देसी जुगाड़, जे देसी देसी फाटक भैया, बंद करना इसको एकदम। जे देखो, जे देसी जुगाड़ अभी, और फाटक खुल रहा है। अरे फाटक खुल गया। ये तेवतिया वाटर पार्क हम पहुंच चुके हैं, इनका प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे अभी। यहाँ पर कृपया व्यक्ति और संभव संबंध में फीस के ना जोड़। अरे अंकल गाड़ी खड़ी करनी है। गाड़ी खड़ी करने के बाद हमने ये एंट्री ली, 200 रुपए की टिकट ली पर व्यक्ति, और यहाँ पता नहीं किस बात पे झगड़ा हो रहा था। लड़ाई हो गई। तो हम अंदर गए तो हमें स्लाइडें दिखाई दे रही थी, अभी यहाँ कोई ना है क्योंकि हम काफ़ी सुबह पहुँच गए थे 9:30 बजे करीबी वाटर पार्क में। फिर हमने कॉस्ट्यूम ली, कॉस्ट्यूम के हमने 100-100 रुपये जमा किए थे जो हमें रिफंडेबल होने वाले थे, और एक लॉकर भी मिल रहा था 20 रुपये में, वो भी रिफंडेबल था। फिर हम चेंजिंग रूम की तरफ गए जहाँ हमें अपने कपड़े चेंज करने थे, और लॉकर में हमने अपनी चप्पलें रखी क्योंकि हमें कपड़े तो हमने एक्टिवा में रख, चप्पल रखने के लिए लॉकर लिया है हमने VIP। चेंज करने के बाद मैं वाटर पार्क की तरफ बढ़ गया क्योंकि काफ़ी लोग भी नहा रहे थे, 5-7 लोग दिखाई दे रहे थे क्योंकि काफ़ी सुबह का टाइम था और पानी भी ठंडा था क्योंकि ताज़ी पानी आ रहा था, पर एक पूल में बहुत गंदा पानी था इसलिए हम उस पूल की तरफ नहीं गए और मैं इधर ही नहाता रहा एक तरफ तरफ। जी उल्टे जा रहे हैं यार। बुद्धि का विकास नहीं है। वाटर पार्क के अंदर जेवी स्नान करने आए हैं, जेवी नहाने आए हैं जी। अरे यार गंदा पानी है यहाँ पे। इसके बाद फाजिल बहुत स्विमिंग पूल में छलांग लगाने के लिए सबसे ऊपर पहुँच गए, फिर उनको ऐसा लगा कि उन्हें डर लग रहा, तो फिर वो सेकंड वाले पे आ गई। और पानी गंदा था पर फिर भी फाजिल भाई गए, पर ये पानी वैसे गंदा था क्योंकि एक दिन पहले काफ़ी आंधी आई थी यहाँ पर। और हम दूसरी तरफ स्लाइड की तरफ चले गए तो फाजिल भाई स्लाइड भी करे आए एक, और यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा था, ठंडा पानी था, बस यही था थोड़ा पानी गंदा हो रहा था, पर अंकल बता रहे थे ये पानी सिर्फ आंधी की वजह से गंदा है, वैसे गंदा नहीं है। एक रात पहले यहाँ पे खूब धूल मिट्टी हो गई थी और लाइट वगैरह भी नहीं आ रही थी इसलिए। मज़ा आ रहा है, एकदम मस्ती से कट रही है, मौजी मौज कट रही है।
इसके बाद हम रेनिंग साइड भी चले गए थे, वहाँ काफ़ी ठंडा ठंडा पानी आ रहा था और फाजिल बॉस नृत्य करके दिखा रहे थे अपना, देखो ठुमके लगा लगा के, इनको पता नहीं क्या सूझ गई थी, नाचने लग रहे थे मजे ही मजे में। फाजिल बॉस पूरे डूब चुके थे नृत्य के अंदर, साथ में मुझे भी डुबाने के चक्कर में थे, तो मैं भी स्टार्ट हो गया उनके साथ थोड़ी देर बाद, नेक नेक थोड़ा थोड़ा डांस मैंने भी किया, पर फाजिल बॉस काम आने वाले थे, उन्हें तो मज़ा ही मज़ा आ रहा था, वही मौज कर रहे थे सबसे ज़्यादा, पूरे पैसे वसूल रहे थे वो यहाँ पे। और फिर ऑल ओवर फिर भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और स्लाइडें भी काफ़ी फुल होती जा रही थी। अभी तक तो ये वाटर पार्क हमें सही लगा था, 200 रुपये के प्राइस में ये वाटर पार्क सही है, पर एवरेज हम इसको इतना ज़्यादा वो नहीं कहेंगे, क्योंकि बार बार लाइट भी जा रही थी और पानी भी ज़्यादा साफ नहीं था और स्टाफ तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। पर आपको इस वाटर पार्क में एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे वो लास्ट में दिखाएंगे, क्योंकि मुझे पूरे वाटर पार्क में वही चीज़ अच्छी लगी है और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा भी वहीं आया था। और ये देखिए उसके बाद फाजिल भाई पोल डांस करने भी लग गए थे, पोल डांस कर रहे थे, देखिए इनका तो डांस ही नहीं ख़त्म हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। इस वाटर पार्क में यही चीज़ अच्छी थी, ये वाटरफॉल की तरह था, ऊपर से पानी गिर रहा था इसके अंदर, पर ये अभी स्टार्ट नहीं था, ये भैया करने के लिए इसमें पानी डाल रहे थे क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बंद था और ये सारी स्लाइड्स भी बंद कर दी गई थी लाइट जाने की वजह से। तो पूरे पूल में मुझे सिर्फ यही चीज़ एक अच्छी लगी थी पूरे वाटर पार्क के अंदर, कि ये एक कैंपटी फॉल टाइप का झरना सा था और ठंडा ठंडा पानी नीचे गिर रहा था, बिल्कुल ताज़ी पानी गिर रहा था, और मज़ा आएगा अगर आप इस वाटर पार्क में सिर्फ आप इस चीज़ का एंजॉय लेंगे तो। अब मैं मौजी मौज में कूदने वाला हूँ, मौजी मौज या प्रमोशन की बात है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम ताजी ताजी पानी आ रहा है, ठंडा ठंडा। तेवतीय वाटर पार्क के अंदर मुझे यही चीज़ अच्छी लगी थी, मैंने आपको पहले ही बताया और अब भी बता रहा हूँ, और ये आपको आकर्षण भरी चीज़ है और ठंडा ठंडा पानी एकदम गिरता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैप डाल दूँगा, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, बोलदा बिजली रोड से भी आ सकते हैं आप और फतेहपुर सीकरी वाले रोड से भी आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वाटर पार्क में ज़रूर आएँ। हमने कुछ लोगों के रिव्यू भी लिए थे, उनकी भी वीडियो डालिए लास्ट में, थैंक यू। नारे मजे है, ये कैसा लग रहा है यहाँ पे तुम्हें? मैं आए रो और हाँ आनंद ही आना, ठीक है मजे आ रहे हैं, एक नंबर, ठीक है भाई साहब एकदम मजे आ रहे हैं, भाई साहब सुपर, कैसे मजे आ रहे हैं, पानी वानी कैसा है? एकदम नंबर वन, अच्छा सुपर बढ़िया, चलो और कहाँ से आए तुम? चिकसाने से, भैया चिकसाने से आए, इतनी दूर से आए तुम? हाँ जी, चलो बढ़िया, ऐसे आगे आगे बिल्कुल, चलो बढ़िया, ठीक है भैया, थैंक यू भैया।